व्यूवर्स, वेलकम बैक विद अनदर वीडियोस। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो है मेरी कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी। तो ये जो सारे जो है इंग्रेडिएंट जो मैं यूज़ करने वाली हूँ आपको दिखा रही हूँ, ये रहे मेरे पकौड़े का सामान जो मैं तैयार करके रखा हुआ है। इसमें है प्याज, आलू और थोड़ी सी कसूरी मेथी और जीरा, हल्दी, नमक जो मैंने इसमें मिला दिया है, और ये है सूखा धनिया और जीरा, और ये है मेथी। तो इसमें है बेसन, और ये है सबसे इम्पोर्टेंट लस्सी, और ये है ऑयल सरसों का। तो पैन है अभी खाली, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले कढ़ी के लिए जो हमने बनाना है वो है पकौड़े, तो चलो करते हैं स्टार्ट। जब तक मेरा तेल जो है वो गर्म हो जाए तब तक मैं बेसन ऐड कर लेती हूँ पकौड़े के लिए, और मैं ला देती हूँ इसके पतला सा घोल। ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखूँगी, ज़्यादा लूज़ भी नहीं करूँगी मैं इसको, थोड़ा नॉर्मल जैसा। नहीं तो पकौड़े हार्ड करूँगी तो सख्त हो जाते हैं ना, इस तरह से कुछ। बन रहे हैं गर्मा गर्म पकौड़े, और जैसे पकौड़े मेरे बन के रेडी हो जाएंगे तो मैं बनाऊंगी कढ़ी इस तरह से। ये देखो, ये बन रहे मेरे पकौड़े। जो मेरे पकौड़े वो बन के ये देखो रेडी हो चुके हैं, कुछ इस तरह के लग रहे हैं मेरे पकौड़े। और पकौड़े काफ़ी सॉफ्ट बने, ये देखो स्पंजी एकदम रुई की तरह सॉफ्ट सॉफ्ट। तो इसके बाद अगला जो काम हम कर रहे हैं मैं बताती हूँ आपको। ये मैंने लस्सी जो है वो बेसन मिला के घोल तैयार किया हुआ है। तो मैं आगे क्या करने वाली हूँ मैं आपको रुक के बताती हूँ। मेरी ये आज की रेसिपी है कढ़ी पकौड़ा रेसिपी, वो स्पेशली मैं आपको बताऊँ वो है पहाड़ी स्टाइल कढ़ी पकौड़ा रेसिपी। तो इसमें मैं एक पहाड़ी टच देने वाली हूँ, तो वो पहाड़ी टच किस चीज़ से मिलता है मिलेगा तो वो है ये देखो आप ध्यान से। जी हाँ, ये है लहसुन की पाखियाँ जो आजकल स्पेशली हमारे पहाड़ों में उगी हुई है, क्योंकि लहसुन का सीज़न लगा हुआ है और सबके खेतों में लहसुन की पाखियाँ तो होती ही है। और इससे एक टेस्ट जो है ना वो बहुत ही अच्छा आता है। आप किसी भी चीज़ में यूज़ करो इसको, आजकल दाल वगैरह हो, कढ़ी हो, स्पेशली मुझे कढ़ी में अच्छा लगता है। तो मैं इसमें एक स्वाद के लिए जो है वो ये यूज़ करने वाली हूँ। जैसे इसमें मैंने जो है वो लस्सी डाल दी थी, और साथ में बेसन मिक्स करके एक घोल तैयार किया हुआ है, और इसके ऊपर जो है मैं ये काटने वाली हूँ लहसुन की पाखियाँ, और साथ में इसमें थोड़ा जो है हरा धनिया भी है। तो इस तरह से ये मैं इसके ऊपर ही काट दूँगी। और इसकी जो खुशबू है ना एक बहुत ही, मतलब क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छी सी आ रही है। धनिया और लहसुन दोनों की जो मिक्स की खुशबू है ना वो बहुत ही अच्छी आ रही है। और ये हो चुका है मेरा, ये भी रेडी, पकौड़े भी रेडी। अब हम तैयारी करते हैं तड़के की। तो जो ये तेल है ना ये पकौड़े में से बचा था, तो मैं इसे ना छान के इस तरह से डाल दूँगी। पकाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि और मिक्स पका हुआ है, तो ये मैंने डाल दिया है साबुत मेथी। और इसके बाद डाल दिया मैं जीरा और धनिया। और ये हम ऐड करेंगे हल्दी। ऐड करने वाले हैं इसमें ये प्याज। इसमें ना दो साबुत मिर्चें भी ऐड कर दिए, जिसको खानी होगी वो ऐसे ही खा लेंगे। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी क्योंकि थोड़ा सा ब्राउन हो गया ना ये, अब इसमें ऐड करने वाली हूँ लहसुन का पेस्ट, और इस तरह से इसको मिक्स करूंगी। और थोड़ी सी ऐड करूंगी देग लाल मिर्च, मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी इसको ना क्योंकि ज़्यादा तेज हो जाएगी, बस थोड़ी सी हल्की सी ऐड करूंगी। हम इसमें इस तरह से डालेंगे ये लस्सी,
और साथ में हम ऐड करेंगे पानी। पानी जो हम अभी बहुत ऐड करने वाले इसमें, बहुत क्या, थोड़ा सा और ऐड करेंगे। बस और अब हम ऐड करेंगे इसमें नमक, एक दो। जी मैंने इसमें नमक डाला, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाल लेना। ये मेरी कढ़ी अभी जो इस तरह से दिख रही है, क्योंकि अभी इसमें टाइम लगेगा। तो जैसे कि कढ़ी आपको नाम पता ही है, कढ़ी जो है वो कड़ कड़ के बनती है, तो अभी इसे करने में टाइम लगेगा। तो हम वेट करेंगे अभी इसके करने का, फिर उसके बाद ऐड करेंगे पकौड़े। तो देखना आप लोग। तो जी ये देखिए, फाइनली हमारी कढ़ी बन के रेडी हो चुकी है। अब हम कुछ देर में इसमें ये पकौड़े डाल देंगे। तो ये थी मेरी पहाड़ी स्टाइल कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी। आई होप आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हुई है तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और जो नए चैनल में आए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय।